भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए कानून नहीं है। ऐसी घटनाओं को लेकर के भारत सरकार और बाबा साहब ने पहले ही कुछ कानून निश्चित किए, लेकिन उन कानूनों की अनदेखी करके, उन कानूनों को कुछ ना समझते हुए लगातार SC ST OBC पर अत्याचार बढ़ रहा है। पूरे भारतवर्ष में वैसे आप सभी जिस विषय को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं CLT के माध्यम से, आप सभी उस विषय से परिचित हैं भली भांति, क्योंकि यह विषय अभी लगभग 10, 12, 15 दिन से लगातार अखबार और मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। और इसके साथ ही विषय क्या है कि आज भी जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष तक मना रहे हैं और आज भी पूरे भारतवर्ष में SC ST OBC के साथ जो अत्याचार, जो जघन्य अपराध हो रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब हम समानता, बंधुत्व, भाईचारा, अखंडता की बात करते हैं और उसके बाद भी हम एक पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके एक पूरे वर्ग को, कहीं पर 9 साल का बच्चा है, कहीं पर एक महिला है, और आप समझ सकते हैं कि 9 साल के बच्चे की इतनी पिटाई कर देना कि वो दम तोड़ देता है। उसके बाद जयपुर की एक घटना अनिता रायगर जी के साथ जो हुआ आप सब जानते ही हैं। तीसरी एक घटना भी झारखंड में हुई कि एक हॉस्टल में एक बच्ची रहती है समाज की, उसे गंदा पानी पिलाया जा रहा है, उसको मारा जाता है। अभी मुजफ्फरनगर में एक अलग तरह की घटना हुई, प्रधान जी है गाँव के, उनको राम राम नहीं की गई, और जब राम राम नहीं की गई तो एक SC वर्ग के व्यक्ति को, जो कि एक उस स्वर्ण समाज के व्यक्ति को नमस्ते नहीं करता, तो उसे अलग ले जा करके उसकी चप्पलों से पिटाई की जाती है। मतलब ये हो क्या रहा है? राजस्थान में तो संख्या बढ़ी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए कानून नहीं है। ऐसी घटनाओं को लेकर के भारत सरकार और बाबा साहब ने पहले ही कुछ कानून निश्चित किए, लेकिन उन कानूनों की अनदेखी करके, उन कानूनों को कुछ ना समझते हुए लगातार SC ST OBC पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसका एक अर्थ है कि कानून सख्त होने की जरूरत है। इससे एक बात निकल के आती है कि जो कानून है उसको और इतना कड़ा किया जाए कि कम से कम ये जो इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, ये रुके, समाज एक अच्छा समाज बने। ऐसे लोगों को जो ना बच्चा देखते हैं, ना औरत देखते हैं, ना कोई गरीब देखते हैं, उसके ऊपर इतना बुरा अत्याचार जो ये लोग करते हैं, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कड़े कानून बनने चाहिए फांसी की, और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मिलनी चाहिए। कोई इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। अब यहाँ ये धरना क्यों रखा गया, उसका एक बड़ा कारण है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक छोटा भारत है, मिनी भारत है, जहाँ पर भारत के कोने कोने से हम विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लिखने आते हैं। यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं। वो प्राध्यापक एक ऐसा संदेश लेकर के जाएं, जब वो गांव देहात में जाते हैं और वहाँ पे पाठ पढ़ाएं, कि किसी भी उपेक्षित समाज के साथ ऐसी घटना ना होना पाए। और हम जो प्राध्यापक पढ़ाते हैं, वो अपने विद्यार्थियों को एक संदेश दें या उनको समझाएं कि समान, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का काम करता है, वो उसका एक काम है, रोजगार है। कोई भी इस देश में ना छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान हैं, हमें एक साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं इस मंच से कि हम CLT के माध्यम से ऐसी कोई भी घटना होगी, हम उसकी निंदा करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये जो समाज में कुछ ऐसे राक्षस घूम रहे हैं ना, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पूरा माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको पकड़ करके सरकार उनको पकड़े, उनको फांसी दे, उन पर सख्त कार्रवाई हो। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, आगे भी हम बढ़ेंगे, अपने मुहिम को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पढ़ा लिखा समाज बैठा है, पढ़ा लिखा समाज इस पर काम करे, आर्टिकल लिखे, कुछ आगे अपनी बात रखे, और सभी से निवेदन करें कि ऐसी घटना ना होने पाए।
अगर कोई करता है तो उसको बख्शा ना जाए।